हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोग्राम बनाने के तीन टेक्निक्स को एक साथ पढ़ेंगे। हमारा अल्टीमेट एम तो प्रोग्राम बनाना ही होता है, लेकिन उसके लिए हम तीन मेथड्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। पहला मेथड होता है एल्गोरिदम, दूसरा होता है फ्लो चार्ट और तीसरा होता है स्यूडो कोड। इनमें से किसी भी एक तरीके से अगर आप प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप करेक्ट प्रोग्राम बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। तो इसमें से एल्गोरिदम क्या होती है? द फंडामेंटल नॉलेज नीडेड टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग अ कंप्यूटर इज द नोशन ऑफ एल्गोरिथम। यानी एल्गोरिथम हमारी किसी भी प्रॉब्लम को जो कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है उसको हम स्टेप वाइज अप्रोच में लिखते हैं, राइट? यहाँ पर हम अगली डेफिनेशन पर आते हैं। एल्गोरिथम क्या है? एक प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस है, स्टेप्स। यानी पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, कोई रैंडम नहीं है। टू बी कैरीड आउट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैन बी मैथमेटिकल, प्रॉब्लम कैन बी लॉजिकल, प्रॉब्लम कैन बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ, बट दैट शुड बी सॉल्व बाई अ कंप्यूटर, राइट? कुछ कैलकुलेशन, कुछ लॉजिक, कुछ इस तरह जो कंप्यूटर से सॉल्व हो सके, इसी तरह की प्रॉब्लम को हमें यहाँ पर देखना होता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी एक एल्गोरिथम, सबसे बेसिक चीज अगर समझते हो तो हमने हमेशा देखा होगा कि हमारे पास एक, हमने सबसे बेसिक जो बचपन से हमेशा सीखा है उसमें हमने ये देखा है कि मैगी बनाने के स्टेप्स मैगी के पैकेट के ऊपर ही लिखे होते हैं। तो उसमें भी एक चीज फिक्स होती है कि सबसे पहले क्या स्टेप लिखाना है, फिर क्या स्टेप करना है, फिर क्या स्टेप। अगर हमने उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो हमारी जो मैगी प्रिपेयर होकर के आएगी वो उतनी टेस्टी नहीं बनेगी, उसका स्वाद खराब भी हो सकता है, राइट? तो 2 मिनट नूडल्स में जब स्टेप्स हो सकते हैं उसको बनाने के, तो एक प्रोग्राम जो हमें हमारे फाइनल जॉब, ड्रीम जॉब दिलाने वाला है, उसके लिए एल्गोरिथम क्यों नहीं होगी? हमारे जीवन के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप वाइज अप्रोच होती है वही उसकी एल्गोरिथम होती है। तो प्रोग्रामिंग इज सिमिलर टू प्लानिंग, एंड इफ वी आर प्लानिंग समथिंग दैट मीन्स वी आर राइटिंग एल्गोरिथम, राइट? ओके, तो एक अच्छी एल्गोरिथम में क्या फीचर्स होने चाहिए? अब देखिए, बात यह है कि हम मैथमेटिकली या लॉजिकली कोई एक प्रॉब्लम है उसको हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 2 की टेबल लिखनी है तो हम क्या करें? आइदर वी कैन राइट इट बाई एडिंग नंबर्स विद 2 रिपीटेडली और बाई मल्टीप्लाइंग इट फ्रॉम 1 to 10। तो हम 1 to 10 नंबर लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें सबको 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, 2 की टेबल बन जाएगी। या फिर हम लिखें सबसे पहले 2, फिर 2 में 2 ऐड करें 4, फिर 2 ऐड करें, सो एडिशन से भी बन जाएगी। सो देयर आर मल्टीपल वेज। अब इनमें से कौन सा वे बेटर है वही हमारे एल्गोरिथम के क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम उस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और बिगो नोटेशन इनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं कि एल्गोरिथम अगर हम लिख रहे हैं तो हमारी एल्गोरिथम के अंदर क्या अच्छी, उसको साबित करने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सो पहली क्वालिटी है फाइनाइटनेस, यानी कि हमारे एल्गोरिथम में जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, राइट? यानी कि और वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हर एक स्टेप कंप्लीट भी होना चाहिए। दोनों बातें हैं, यानी कि एल्गोरिथम में हमने लिखे 5 स्टेप लिखे, 50 लिखे, 50,000 स्टेप्स भी लिखे, तब भी ये 50,000 भी एक काउंटेबल नंबर है, वो अनकाउंटेबल नंबर ना हो, राइट? और हर एक स्टेप अपने आप में फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम ले, यानी कि वो इनफाइनाइट चले जा रहा है, राइट? दूसरे प्रॉपर्टी क्या हुई? डेफिनेटनेस। हमारी एल्गोरिथम का हर एक स्टेप अपने आप में क्लियर मीनिंग रखता हो, यानी उसके दो मीनिंग निकल के ना आ रहे हो, डुअल मीनिंग ना हो, एम्बिग्युटी ना हो उसमें, राइट? अनएम्बिगुअस होना चाहिए, क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज होगा तो तुरंत लॉजिकल एरर कर देगा। आपके सिंटेक्स में कोई गलती नहीं है बट आउटपुट वो नहीं आएगा जो आपको चाहिए। तो इसलिए डेफिनेटनेस होनी चाहिए, हर एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनपुट और आउटपुट हम एल्गोरिथम बना क्यों रहे हैं, वही हमारा आउटपुट है जो हमें डिजायर्ड है, और इनपुट में हमने क्या इंफॉर्मेशन उसमें दी है जिस पर कि वो काम करेगा। सो आउटपुट हमारा, इनपुट हमारा 0 भी हो सकता है लेकिन आउटपुट तो कम से कम एक जरूर आएगा। जैसे अगर हमें हेलो प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो हमने इनपुट में तो कुछ नहीं दिया, प्रिंट एफ के अंदर हेलो लिख दिया, दैट्स ऑल। बट आउटपुट में तो हमने मॉनिटर पे हेलो देखा, एंड दैट विल गिव मी सेटिस्फेक्शन दैट माई प्रोग्राम इज रनिंग करेक्टली एंड गिविंग मी आउटपुट ऑल्सो एज आई हैव प्लान्ड। एल्गोरिथम में भी राइटिंग ओनली हेलो और एल्गोरिथम में भी अ वेरी डिफिकल्ट लॉजिकल क्वेश्चन। देन लास्ट पॉइंट इज इफेक्टिवनेस, यानी एफिशियंट। हमारी एल्गोरिथम इफेक्टिव होनी चाहिए,
यानी कि उसमें जो स्टेप्स लिखे हैं उनको हमने ना ज़्यादा डिवाइड किया हो कि हर स्टेप अपने आप में इंडिपेंडेंटली कंप्लीट लगे, और हमने एल्गोरिथम को ये नहीं कि अब हम बहुत अच्छे स्किल्ड प्रोग्रामर हो गए तो हमने एल्गोरिथम जो स्टेप 5 स्टेप में होनी चाहिए थी उसको 3 ही स्टेप में कर दिया, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, राइट? क्योंकि उसको एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का काम सिर्फ हमें नहीं करना है, किसी और को भी करना हो सकता है। सो एल्गोरिथम हम इस तरह से लिखते हैं कि आज हमको समझ में आए या किसी और को, वो उतना ही प्रोफिशियंटली और एफिशिएंटली उसको कंप्लीट करे फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में, ठीक? अब हम आते हैं फ्लो चार्ट पर। अब अगर हम एल्गोरिथम बनाना समझ गए हैं तो अब आगे की चीजें बहुत आसान है। तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो और चार्ट दो वर्ड से मिलके बना है, तो किसी चीज का फ्लो हो रहा होगा और कुछ चीज ऐसे डायग्राम के शेप में या चार्ट में कुछ ड्रॉ किया गया होगा, राइट? तो फ्लो के नाम पर अगर यहाँ पर बात करें तो दो चीजों का फ्लो होता है, एक होता है डेटा यानी इंफॉर्मेशन, और दूसरा होता है कंट्रोल यानी कि जो हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट करी जाएगी, यानी कंट्रोल में कब आएगी वो। तो डेटा और कंट्रोल दो चीजें फ्लो होती हैं, और चार्ट में हम उन शेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लो चार्ट इज डेवलप्ड फॉर शोइंग द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोसेस। जो एल्गोरिथम में हमने स्टेप्स लिखे उनको डायग्राम के फॉर्म में, शेप्स के फॉर्म में जब हम डिस्प्ले करते हैं तो उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम मेड अप ऑफ बॉक्सेस, डायमंड्स एंड अदर शेप्स कनेक्टेड बाय एरोज। फ्लो चार्ट कंबाइन सिंबल्स एंड फ्लो लाइंस टू शो द ऑपरेशन ऑफ एल्गोरिथम इन अ फिगर, एंड एवरी शेप हैज अ मीनिंग ऑल्सो, राइट? एवरी शेप हैज अ मीनिंग और अ पर्पस फॉर विच यू हैव यूज दैट शेप। जस्ट बाई लुकिंग द शेप वी कैन आइडेंटिफाई कि वॉट दिस इज गोइंग टू टेल। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इलिप्स टाइप का शेप दिख रहा है पहला वाला, ये स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए है, ओवल या इलिप्स, राइट? ये एरो है, ये डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल डेटा, हाउ इट इज बीइंग फ्लोन, राइट? देन ये पैरेललोग्राम है, दिस इज फॉर इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा। देन एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन बीइंग डन, दैट विल बी अ प्रोसेस एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन दिस रेक्टेंगल शेप, राइट? किसी भी तरह का प्रोसेस हो, एग्जीक्यूशन हो रहा हो तो वहां पर रेक्टेंगुलर शेप होगा। और ये डायमंड शेप जो होता है ये डिसीजन के लिए है, किसी कंडीशन के टेस्ट होने पर हमें क्या डिसीजन लेना है कि वो आगे प्रोग्राम चलेगा या किस डायरेक्शन में चलेगा, ये डिसीजन के लिए डायमंड शेप होता है। जनरली इसको कंडीशनल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक? अब हम तीसरे मेथड पर आ जाते हैं, स्यूडो कोड। स्यूडो कोड हमारा सबसे पहले इसमें हम यहाँ पर ये समझते हैं कि स्यूडो कोड किसके ज्यादा क्लोजर है, ये प्रोग्राम के ज्यादा क्लोजर है देन एल्गोरिथम। एक्चुअली में हमें अल्टीमेटली तो प्रोग्राम ही लिखना है जो कंप्यूटर पर रन होगा, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, सी लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में, या किसी भी लैंग्वेज में, राइट? हमें लिखना तो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में होगा लॉजिक, उस लॉजिक को हम पहले प्लान आउट कर रहे हैं, पेन एंड पेपर से उसको तैयार कर रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने स्टेप्स को उठाना है। तो अगर हमने उसको इंग्लिश जैसे सेंटेंसेस में डिटेल वे में लिखा तो वो एल्गोरिथम बन जाएगी, अगर उसको हम शेप्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फ्लो चार्ट बन जाएगा। तो स्यूडो कोड क्या है? अब स्यूडो कोड हमारा भी एक तरह का कोड है, इसका देखिए वर्ड में ही लिखा है स्यूडो कोड, यानी कि एक फॉल्स टाइप का कोड है, ये फॉल्स कोड है ये एक तरह का, राइट? यानी कि वो एक्चुअली में कंपाइलर पर रन होने वाला कोड नहीं है, लेकिन उस कोड के बहुत ही नियर अबाउट है, यानी कि सिंटेक्स एरर इसमें नहीं होगी, हम ये कुछ समझ सकते हैं कि देयर विल बी नो सिंटेक्स एरर, बट इट इज क्लोजर टू कोड और क्लोजर टू प्रोग्राम। तो हम यहाँ पर नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी हमारा एल्गोरिथम का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है, उसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो स्यूडो कोड में कई सारी चीजें स्किप कर दी जाती हैं, जैसे कि हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन है और सिस्टम स्पेसिफिक कोड है और कुछ सब रूटीन्स या फंक्शंस, उनको हम स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट उस लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रोग्राम को, जिससे प्रोग्राम बना हुआ है और जिसको रन होने पर प्रोग्राम का आंसर आने वाला है, ठीक? और यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम मिक्स कर देते हैं, ऑगमेंट कर देते हैं नेचुरल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश के साथ में, राइट? तो जहां पर हम प्रोग्राम का कोड और इंग्लिश दोनों, यानी सिंटेक्स और नॉर्मल इंग्लिश दोनों को हम एक साथ लेके चल सकते हैं, वही हमारा स्यूडो कोड कहलाता है, ठीक? अब हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
जिसमें हम एक फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम और स्यूडो कोड तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरह की प्रॉब्लम कई जगह पूछी जाती है। और इसमें मैंने प्रॉब्लम क्या ली है, प्रॉब्लम नेम है वी हैव टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल इनपुट अगर 5 है तो आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए, 120 आना चाहिए, हमें मालूम है 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब मैंने यहाँ पर एल्गोरिथम पहले से लिख रखी है, फ्लो चार्ट और सीडो कोड अभी आपके सामने डिजाइन करूंगा। तो एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप जो हमेशा रहेगा, अब ये S1 S2 क्या है, S1 एक स्टेप है, S2 दूसरा स्टेप है, तीसरा, तो ये स्टेप्स हैं यहाँ पर, ठीक, दीज आर स्टेप्स। तो S1 स्टेप है स्टार्ट, और सबसे लास्ट में स्टॉप एक स्टेप होगा, इसके बीच में हमें पूरा लॉजिक रिप्रेजेंट करना है। अब फैक्टोरियल के केस में हमें क्या करना है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये वाला 120 वाला कोड करना है। तो हमने यहाँ पर यूजर से जिसमें वैल्यू डलवानी है वो n है, इसमें 5 पड़ेगा। अब i और एक फैक्ट, फैक्ट में हम रिजल्ट देखना चाहते हैं, इसमें रिजल्ट आने वाला है, ठीक, आउटपुट जिसको बोल रहे हैं, ये आउटपुट या रिजल्ट के लिए हो गया, ठीक है, हटा लेते हैं, ये आउटपुट के लिए या रिजल्ट के लिए हो गया। फैक्ट को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है क्योंकि मल्टीप्लाई करना होगा, अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो गार्बेज से मल्टीप्लाई करने लगेगा। तो अब यहाँ पर मैं फैक्टोरियल को समझाने की जगह एल्गोरिथम लिखना समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसमें कितने इनपुट और कितने आउटपुट और कितने बीच के कैलकुलेशन के लिए जरूरत पड़ेंगे वेरिएबल्स, उनकी उनका डिस्कशन करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। तो इनपुट के लिए हमने n ले लिया, आउटपुट के लिए हमने फैक्ट ले लिया, और i एक वेरिएबल बीच में होगा जो इस रिपीटिशन को बार बार करा रहा होगा, जिसको हम लूप कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं, कि जब तक i पर कोई कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये मल्टीप्लीकेशन चलता रहेगा। तो i की वैल्यू एक बार 5 होगी, फिर कम होकर के 4 हो जाएगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से i लगातार कम होता रहेगा, और i कब तक मल्टीप्लाई होता रहेगा, जब तक i ग्रेटर देन 0 है, ठीक। तो i को हमने इनिशियलाइज किससे किया, n से। i में पहली वैल्यू क्या है, n, n में क्या था, 5 यूजर ने डाली, इनपुट वैल्यू ऑफ n। सबसे पहले यहाँ पर यूजर से सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे, हमें कितने वेरिएबल चाहिए, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और इंटरमीडिएट वेरिएबल क्या है, ये सब चाहिए। फिर इनपुट ले लिया वैल्यू में n में, i को इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि लूप चलाना है, सो लूप के लिए i लूप कंट्रोल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, सो उसको इनिशियलाइज करेंगे। अब ये है कंडीशन, ये कंडीशन है ना, i को हम तब तक, कब तक, ये दो स्टेप्स a और b हम कब तक करते रहेंगे, कब तक चलाते रहेंगे, जब तक कि i हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो पहले हमने फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू i किया, फिर i को डिक्रीमेंट कर दिया। तो पहले i कितना था, 5, राइट, क्योंकि i n था, तो i में हो गया 5। तो यहाँ पर फैक्ट में पहले से 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 5। 1 क्या है, फैक्ट, और i है 5, तो अब फैक्ट में चला जाएगा 5, फिर i डिक्रीमेंट होकर के 4 हो गया, फिर कंडीशन में जाएगा, i हमारा अभी ग्रेटर देन 0 है, 4 है, तो अब अगली बार क्या होगा, पहले से 1 × 5 है इसके अंदर, तो इसमें अब 4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर i हो जाएगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इस तरह 2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद जब i 0 हो जाएगा तब लूप टर्मिनेट कर जाएगा, जब तक कि i ग्रेटर देन 0 है तभी तक ये चले, और जैसे ही 0 हुआ लूप से बाहर आ गए, तो लास्ट वैल्यू फैक्ट में क्या होगी, इस पूरे मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट होगी वो, और वो शो हो जाएगा, ठीक। अगर हम फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करें तो क्या बताया था मैंने, सबसे पहले हमें ओवल शेप में यहाँ पर क्या लिखना होगा, चार्ट, ठीक। फिर हमें वेरिएबल डिफाइन करना है, सो वेरिएबल के डेफिनेशन कैसा शेप बनाएगा, रेक्टेंगल, ठीक। अगर मेरा रेक्टेंगल साफ ना बने तो आप अपने आप से साफ बनाइएगा एग्जाम में। तो ये डिफाइन कर रहे हैं ना यहाँ पर, डिफाइन या डिक्लेयर या इनिशियलाइज, ये सब होगा। तो n, i और फैक्ट, इनको हमने यहाँ पर बना दिया। वैल्यू ऑफ n इनपुट करनी है, तो वैल्यू इनपुट करने के लिए कैसा सिंबल था, राइट, पैरेललोग्राम, तो यहाँ लिख दें इनपुट n, ये वैल्यू ऑफ n, S3 की वैल्यू, S3 का ये है ना, और डायरेक्शन भी बना दीजिए यहाँ पर, इसको भी कनेक्ट कर दीजिए एरो से, ठीक, इनपुट n हो गया, ये इनपुट n लिखा है, इनपुट n, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है तो आप इसको समझ लीजिएगा। फिर अब हमने यहाँ पर ये रिपीट वाली चीजें करनी है, पर उसके पहले हमें व्हाइल लूप लगाना है, सो व्हाइल में क्या होती है, कंडीशन, तो ये कंडीशन वाला यहाँ पर डायमंड बनेगा, जिसमें हम कंडीशन देखेंगे, व्हाइल i इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर होगा i ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हो गई। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी बना देते हैं, अब इस कंडीशन के दो रिजल्ट होंगे, या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा। अब अगर जो फॉल्स होगा तब तो लूप से बाहर आ जाएगा, और अगर ट्रू होगा तो क्या करना है, तो ये दोनों स्टेप्स करने हैं,
है ना, ये दोनों स्टेप्स करने हैं तो आप इसको एक में ही कर सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लें के अंदर दोनों स्टेप कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई एक स्टेप, और यहाँ लिख दीजिए आई माइनस माइनस, ये हो गया डिक्रीमेंट। चाहे तो आप ऐसे लिख दें या फिर आई इज इक्वल टू आई माइनस वन लिख दें, या ये वर्ड लिख दें डिक्रीमेंट आई माइनस बाई वन, ठीक। और जब ये हो जाएगा, जब डिक्रीमेंट होने के बाद हमें फिर से जाना होगा इसी को टेस्ट करने। जब तक ये आई डिक्रीमेंट होकर के ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा, और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। बाहर आ करके क्या करना है हमको, डिस्प्ले करना है वैल्यू को। तो डिस्प्ले करने के लिए फिर से पैरेललोग्राम लगेगा, ठीक। इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम था ना, ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ लिख दीजिए डिस्प्ले या प्रिंट डिस्प्ले फैक्ट, ये हो गया इसका फ्लो चार्ट। एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले देखिए स्टार्ट, या फिर ये स्टेप टू है, डिफाइन किया एन आई और फैक्ट को, फिर इनपुट एन किया। अभी यहाँ पर एक चीज रह गई है, इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर एक और ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर एक और ये ऐड कर दीजिए इस तरह से ऐसे, फिर उसके बाद इसको कर दीजिए। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर ये जगह नहीं दिख रही ना अभी, तो जगह करेक्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा यहाँ करेक्ट कर दें। तो पहले तो इनपुट करना है हमें वेरिएबल को, वैल्यू इनपुट करना है, तो इनपुट यहाँ पर कर देंगे इतने में, राइट। इनपुट एन, एन इनपुट कर दिया। अब इनिशियलाइज कर देते हैं इसको आई को। तो इनिशियलाइज करने के लिए हमें ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लेना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू एन, ये हो गया इनिशियलाइज। इसके बाद हम इस पर अंदर चले गए, ठीक। ये जो स्टेप रह गया था ना S4 वाला, ये उसके लिए ऐसा करना पड़ा यहाँ पर। तो थोड़ा सा ये गंदा हो गया है, लेकिन आप उसको बना लीजिएगा इस तरह से, करेक्ट बना लीजिएगा, क्योंकि एल्गोरिथम लिखने के बाद फ्लो चार्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम स्यूडो कोड पर आते हैं अगर, तो स्यूडो कोड में हम डायरेक्ट यहाँ पर बिना वेरिएबल डिक्लेरेशन दिए भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। आप चाहो तो इसमें स्टेप्स लिखो, चाहो तो स्टेप्स ना लिखो, बट 1, 2, 3, 4 कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ी क्लैरिटी बनेगी। यहाँ लिखते हैं हम इनपुट एन, या कई बार रीड एन भी लिखा होता है, ठीक है ना, रीड एन भी लिखा होता है। फिर दूसरे स्टेप पर करते हैं, इसके सीधे आप लूप से स्टार्ट कर सकते हैं, वाइल आई ग्रेटर देन जीरो, वाइल आई ग्रेटर देन जीरो। ए स्टेप में यहां लिख दीजिए फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, और बी स्टेप में लिख दीजिए आई माइनस माइनस, ये दोनों स्टेप्स कर दिए। और तीसरे में यहाँ पर कर दीजिए आउटपुट फैक्ट, ये हो गया स्यूडो कोड। स्यूडो कोड में हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है अब, इसलिए हम यहाँ पर देखिए जो एल्गोरिथम है उसी के थ्रू हम यहाँ स्यूडो कोड पे पहुँच गए। और स्यूडो कोड में सिर्फ मेन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है, मेन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल यही है लूप वाला, जो आई की वैल्यू पर रिप्रेजेंटेट कर रहा है, राइट। इनपुट एन किया है और ये आई ग्रेटर देन जीरो पर चल रहा है, और फैक्ट इज इक्वल टू आई है। तो आप यहाँ चाहो तो इनपुट एन, और यहाँ पर लिख दीजिए आई इज इक्वल टू एन, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। और आपको क्लैरिटी चाहिए तो यहाँ पर फैक्ट इज इक्वल टू वन भी लिख दीजिए, पूरा ही खत्म हो गया, राइट। तो स्यूडो कोड एल्गोरिथम बहुत ही फ्लेक्सिबल है, प्रोग्राम फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसका अगर हमें प्रोग्राम लिखना हो तो क्या हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते? अब बिल्कुल लिख सकते हैं प्रोग्राम। हम यहाँ पर प्रोग्राम लिख लेते हैं सी में, इसको ख़त्म करते हैं। तो प्रोग्राम अगर लिखना हो तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, मेन इंट मेन, या मेन से इसको स्टार्ट कर दें, इंट मेन से। वेरिएबल सारे डिक्लेयर करने पड़ेंगे यहाँ पर, तो इंट ले लिया, राइट। सबसे पहले वो नंबर एन आई ले लिया, और एक फैक्ट ले लिया, ये आई हो गया फैक्ट रिजल्ट के लिए, उसको वन से इनिशियलाइज कर दिया, देन स्कैन एफ कर दिया, परसेंट डी लिखा, और एम परसेंट एन जिसका फैक्टोरियल निकालना है। फिर आई को इनिशियलाइज कर दिया आई इज इक्वल टू एन से, देन व्हाइल लूप लगा दीजिए, चाहे फॉर लूप लगा दीजिए, चाहे जिस लूप से कर दें। व्हाइल से कर रहे थे तो व्हाइल ही कर देते हैं, ये व्हाइल है डब्ल्यू एच आई एल ई, व्हाइल आई इज ग्रेटर देन
जीरो, तब तक यहाँ पर क्या होगा, तब तक यहाँ पर होगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ठीक, और आई माइनस माइनस सेमीकोलन लगाते रहें जिससे कि सिंटेक्स हमारा करेक्ट बना रहेगा, ठीक। फाइल को बंद कर दिया, बस प्रिंटेस में जाके यहाँ पर प्रिंट कर दिया परसेंट डी कॉमा फैक्ट और मेन को बंद कर दिया, हो गया प्रोग्राम खत्म। थैंक यू।